हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुबिलेंट फूडवर्क में आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में इसके अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं। तो अगर मैं इस जुबिलेंट फूडवर्क की बात करूँ, मैं आपके सामने ये डेली चार्ट को लगाया हूँ। आप देखिए, ओपनिंग होती है 2830 रुपीज़ से और उसके बाद पूरे दिन ये दबाव में रही और 2.65% की डाउनसाइड मूव दिखाई इसने। अगर मैं होल मार्केट की बात करूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करूँ, तो आप देखिए वहाँ पे भी दबाव दिखाई दी थी और इसका ही असर था कि आप जुबिलेंट फूडवर्क में भी देखिए दबाव में दिखाई दी। एशियन पेंट, रिलायंस, सारे बड़े स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में देख लीजिए, आप वो दबाव में दिख रही है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI की लेवल जो है वो 51 निकल कर आती है और MACD पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर बन सकता है, अभी बना नहीं है। तो RSI की लेवल मुझे एक स्ट्रांग मोमेंटम बता रही है और मैंने जो ये रेड कलर की स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये लेवल है 36 की। जुबिलेंट फूडवर्क में इस लेवल पे बार बार बाउंस बैक देखने को मिला है और आप देख लीजिए, मुझे लगता है फिर से ये बाउंस बैक अगर मिली है तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है वापस ये RSI की 80 के लेवल तक तो जाएगा। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे आप देखिए एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है इस वीक में, लेकिन लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो एक बियरिश कैंडल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे इसने एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। MACD की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेकिन बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। देखिए, अगर MACD में अगर बियरिश क्रॉसओवर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी तेज़ी ख़त्म हो गई है। ये मतलब संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर थोड़ी सी डिप आ जाए, लेकिन इसकी गारंटी किसी में भी नहीं है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स इसकी गारंटी नहीं देता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब चार्ट पर प्राइस एक्शन हो चुकी होती है उसके बाद ये इंडिकेट करता है। तो अभी की जो करेंट की जो बुलिश कैंडल है, अभी इस पर कोई इंडिकेशन नहीं आया इंडिकेटर पे और शायद पॉसिबिलिटी है कि अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर बुलिश बनती है तो यहाँ पे भी इंडिकेटर में बाय की सिग्नल बन जाएगी। RSI की लेवल 60 के ऊपर है और मुझे लगता है कि ये एक बुलिश मोमेंटम बता रही है आने वाले टाइम के लिए। अगर मैं मंथली चार्ट की तरफ देखूँ तो आप देखिए मंथली चार्ट पे जो RSI की लेवल है वो 71 निकल कर आती है और MACD पे बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है तो आपको अभी इसमें बाय करके चलना चाहिए और शॉर्ट सेलिंग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कैंडलस्टिक की तरफ अगर देखें तो आप ये देख लीजिए, ये लास्ट की जो 3 मंथ की कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बन रही है। सेलिंग के कोई भी सिग्नल नहीं है, जब तक ये अपने कैंडल की लो नहीं तोड़ देता है आप बिल्कुल भी बुलिश रही है इसके ऊपर। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम अगर हाई के लेवल पे ख़रीद लेते हैं तो ये फॉल आ जाती है, शेयर गिर जाता है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है मैं बता रहा हूँ आपको, बजाज फाइनेंस देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, मतलब जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इंफोसिस देख लीजिए, TCS देख लीजिए, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में हाई लेवल पर भी बाय करते हो ना तो वो वापस घूम के एक अपने हाई को ही तोड़ेगा वो। और कुछ इस तरह के ही स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क, आप ये देखिए जो मैंने मार्क किए हैं ये कितनी बार लो गया, तो आप ये देखिए हर बार इसने अपने ही हाई को ब्रेक किया है। मतलब आप देखिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अपने लो को ब्रेक करता ही गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अपने हाई की तरफ ही गया है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक भी एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है। और आपको ऐसे स्टॉक पे ही सिलेक्शन करना चाहिए जो अपने हाई को ब्रेक करे, ना कि लो को ब्रेक करे। तो बिल्कुल आपको मैं बोलूँगा कि आप भी कभी भी इन्वेस्ट करो तो पहले आप मंथली चार्ट को देखो, मंथली चार्ट एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड बताती है और इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी मुझे अपवर्ड की तरफ ही दिखाई दे रही है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो आप पहले ये देख लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा ट्रेंड लाइन बहुत गलत तरीके से बनाते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पता ही नहीं लोगों को कि ट्रेंड लाइन आखिर बनाते कैसे है। बस वो क्या करते हैं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मैच करते हैं और बस बन गया ट्रेंड लाइन।
आप देखिए, आप मैंने जो सर्कल मार्क किया, क्या यहाँ पे आपको किस लेवल का रिजेक्शन मिला है? ये क्या रिजेक्शन है? ये देखिए आप, ये क्या मतलब, क्या रिजेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, और लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन बना देते हैं। तो ट्रेंड लाइन वहाँ से बनाओ जहाँ से मतलब कुछ अच्छा पॉइंट का रिजेक्शन मिला हो, कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो। आप ये देखिए, ये क्या रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, लेकिन लोग यहाँ से ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। आप ये भी देखो, ये देखो आप, लोग यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मैक्सिमम लोग, आप पूरे यूट्यूब में देख लेना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल लोग ऐसे करते हैं, ये यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन बना देते हैं। भाई भाई, तो आप ये क्यों बनाया ऐसा ट्रेंड लाइन, मतलब क्या इस पॉइंट पे किस तरह के रिजेक्शन है? ये मार्केट यहाँ से गिर भी नहीं रहा है, उठ भी नहीं रहा है, मतलब ये क्या है? ऐसे लेवल पर आप अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे तो क्या वर्क करेगा? आप ये बताओ, ये ट्रेंड लाइन कहाँ वर्क कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है? आप देखो, इस ट्रेंड लाइन से कहीं भी कुछ भी प्राइस एक्शन आपका मैच ही नहीं करेगा। ये जो मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं, मतलब उनको अगर कोई सिखाए भी ना तो वो दूसरे के चैनल पर जाएंगे और वही चीज़ सीखेंगे जो वो बताते हैं, वो गलत बताते हैं। उनको खुद नहीं पता होता है ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है। वो खुद स्टॉक मार्केट में आए हैं बस पब्लिसिटी करने के लिए, यूट्यूब पे आए हैं पब्लिसिटी करने के लिए, पैसे लेने के लिए आए हैं यूट्यूब पे। पेड चैनल पे भी जाओगे ना तो आपको इस लेवल का नॉलेज नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ। आप देखो, ट्रेंड लाइन आखिर बनाते कैसे हैं? आप देखो, मैंने आपके सामने ये स्क्रीन लगाई है, मैंने मार्क कहाँ किया? देखो, मैंने 1 नंबर लिखा है, ये मैंने मार्क किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, जो मैंने रेड कलर के सर्कल बनाए हैं। आप इस लेवल पर देखो, इस लेवल से कितनी नीचे तक मार्केट गई थी या नहीं गई थी? तो मैंने सबसे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देखो, अभी नीचे वाले 2 ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो आप ये देखो, मैंने इस लेवल पे एक मार्क किया, और ये देखो मैंने जो दूसरी मार्क 2 नंबर मैंने लिखा है, जो आप वो लेवल पे देखो मैंने सर्कल किया, आप इस लेवल पे देखो कितनी अच्छी मार्केट में नीचे गई थी। तो मैंने ये दो, बस ये 2 लाइन मार्क किया, ठीक है, ये 2 को मैंने मैच किया। अब आपको देखो, अब इसका रिजल्ट देखो, जो मैंने 1 और 2 मार्क किया था उसका रिजल्ट ये है कि देखो, ये ट्रेंड लाइन ऐसी जगह पे बना है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, इस पैटर्न पे देखो आप हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इस पैटर्न पे देखो किस तरह से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ये देखो आप। तो अब यहाँ से जो बुलिश कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर में जिसने भी बाय किया होगा उसको प्रॉफिट मिला होगा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद जिसने भी नीचे में सेल किया होगा उसको भी प्रॉफिट मिला होगा। तो ये एक सही तरीका है ट्रेंड लाइन बनाने का, आपके सामने है। मैंने सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट को ढूंढा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मिली है। भाई छोटे मोटे पॉइंट, 1-2%, 3% वाली पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप 1-2% वाली अगर हर कैंडल स्टिक को मैच करने लग जाओगे ना, तो एक चार्ट में पता नहीं कितने हज़ार ट्रेंड लाइन बन जाएंगे आपके। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट को मैच किया और आपको रिजल्ट देखो किस तरह का रिजल्ट मिली। मैं अभी और दिखाता हूँ, एक और देखो आप ये देखो, मैंने ये नीचे के 2 ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने ये सितंबर का टाइम की है जब मैंने वो 1 नंबर पे ये मार्क किया, ठीक है, और ये एक दूसरी के है जो मैंने मार्क किया था, ये 1 नंबर एक और है, इसके पहली वाली जो आपको मैंने मार्क किया था ये दूसरा वो पॉइंट है, ठीक है, जो मेजर फॉल आई थी एक वहाँ और एक सितंबर में मार्क किया था मैंने, जो यहाँ पे मेजर फॉल आई थी। उसके नीचे भी आप देखो, मैंने 1 नंबर यहाँ पर मार्क किया, आप देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी फॉल आई थी, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो मैं मार्क किया हूँ, तो यहाँ पे भी देखो आप बहुत ही अच्छी फॉल आई थी। मैंने बस ये 2 ट्रेंड लाइन को ना 2 पॉइंट से मैच किया और बस छोड़ दिया। अब आप ये नीचे के जो 2-2 ट्रेंड लाइन है ना, इसका रिजल्ट आप देखो, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने जो रिजल्ट आई है, ये देखो जो 2 ब्लैक कलर से मैंने मार्क किए हैं। अब देखो इस जो ट्रेंड लाइन पे किस तरह का सपोर्ट ले रहा, मार्केट यहाँ से गिरने भी नहीं दिया और मार्केट इसी लेवल से उठा। आप यहाँ पे देखो, ये अभी करेंट की सिचुएशन है नवंबर की, देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया, मतलब नीचे जाने का तो रेडी ही नहीं था इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो अगर आप किसी और का वीडियो में ये देखते हैं, ये एनालिसिस देखते हैं ना, तो 50 ट्रेंड लाइन, 50 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा होता आपको, लेकिन कोई सही तरीका नहीं बताएगा यार। सही तरीका वो कैसे बताएगा, उसको खुद नहीं पता। तो ये एक तरीका होता है और ये तरीका, ये एक्सपीरियंस लर्निंग से आती है। तो अगर आप लर्न किए होगे, आपको अपने स्टॉक मार्केट में कितना टाइम दिया है,
ये डिपेंड, ये चीज़ आपको चार्ट में दिखती है, मैं जो बता रहा हूँ आप बता देना किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई इस तरह की बातें, इस तरह की परफेक्ट बातें, मतलब जो बातें जेन्यून लगे आपको कि सुनने के बाद कि हाँ ये बंदे के बात में जेन्यून है, कोई मतलब रोबोटिक बातें नहीं बता रहा हूँ कि 950 के ऊपर बाय कर लो, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन मारो और उसके ऊपर गया तो बाय कर लो, उसके नीचे गया तो सेल कर लो, नहीं ये सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। जो है ये जेन्यून बातें हैं, जो ये जो टेक्निकल बातें हैं जो हमेशा वर्क करेगी, और ये ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा वर्क करती है। तो आप ये खुद देख लो, रिजल्ट आपके सामने है जो मैंने आपको बताया। तो अब आते हैं वापस अपनी बात पे, जो मैं जुबिलेंट फूडवर्क की बात कर रहा था। तो जुबिलेंट फूड के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जुबिलेंट फूड आखिर बिजनेस क्या करती है। सबके मन में ये पता है कि जुबिलेंट फूड डोमिनो पिज़्ज़ा चलाती है, लेकिन आपकी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो जुबिलेंट की ब्रांड नहीं है, ये गलत है। जुबिलेंट ने फ्रेंचाइजी ले रखी है डोमिनोज की, डोमिनोज की कंपनी जो है वो अमेरिका की है, लेकिन पूरे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी सर्कल्स में जुबिलेंट फूडवर्क ही इसके फ्रेंचाइजी को ले रखा है और ये सर्कुलेट करता है। तो ये मत समझिए कि जुबिलेंट फूडवर्क की ब्रांड है, जुबिलेंट फूडवर्क की ये ब्रांड नहीं है। डंकिन डोनट्स जो आप देख रहे हैं ये भी उसकी ब्रांड नहीं है, इसका भी फ्रेंचाइजी ले रखा है जुबिलेंट फूडवर्क ने, तो ये दोनों इसके ब्रांड नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क की जो अपनी ब्रांड है वो है होम किचन, आप सबको पता होगा ये मैगी वगैरह और इसके मसाला वगैरह ये जो भी बनाती है, ये चाइनीज फूड की हब है, तो ये इसकी खुद की ब्रांड है होम किचन। लेकिन डोमिनोज पिज्ज़ा, डंकिन डोनट्स ये बाहर की कंपनी है, इनका फ्रेंचाइजी इसके कंट्रोल में है, और पूरे इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको सर्कुलेट ये करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब आप समझ लो पूरे डोमिनोज पिज्ज़ा इंडिया के अंदर इसके कंट्रोल में है। तो और आप ये भी समझ लीजिए कि जो फूड इंडस्ट्री है ना इंडिया में, भाई फूड इंडस्ट्री कभी भी डूबी नहीं है, और ख़ासकर ये फास्ट फूड, मतलब ये डोमिनोज पिज्ज़ा इस तरह से, इस तरह की खाने पीने की चीज़ें कहाँ डूबती है भाई इंडिया में। इंडिया में तो इतना सारा पॉपुलेशन है कि इसकी सेल्स हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है, कोई बैंक तो है नहीं कि लोग पैसा लेके भाग जाएंगे और डूब जाएगी कंपनी, पैसा बस बैंक में ही होता है भारत में। लेकिन फूडिंग की कंपनी में आपने ऐसा नहीं देखा हो कि जो इस तरह के फूड बनाती है, स्ट्रीट फूड्स और ये सब जो डूब जाते होंगे। तो इस तरह के फूड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसके मार्केट जो है ना वो हर जगह पे है। आप देख लीजिए कोई भी मेजर सिटी, छोटी सिटी में भी अब तो डोमिनोज पिज्ज़ा पहुंच गई है, तो हर जगह डोमिनोज पिज्ज़ा है, इसके मार्केट की पकड़ इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब हर जगह है यार, आप घर से बाहर निकलोगे आपको डोमिनोज पिज्ज़ा मिल जाएगा। तो ऐसी मार्केट जिसकी है आप वहाँ पे रिस्क कम समझो कि उसे रिस्क है, और मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट की तरफ ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे आती है, हर स्टॉक नीचे आता है। कोई भी आप बड़े स्टॉक ले लो, बजाज फाइनेंस देख लो कितना नीचे आ गया था, रिलायंस देख लो कितना नीचे आ गया, तो सब स्टॉक नीचे आता है यार, ऐसा नहीं है। तो अगर डोमिनोज पिज्ज़ा में स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सबके लिए कि इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये अपने हाई के तरफ जाएगा, उठेगा, ये ऊपर ही जाएगा और ये अपना हाई को भी तोड़ेगा, इसका ट्रेंड ही ऐसा है, ये नीचे आकर वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट भी करनी चाहिए। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो अभी जो 2020 में जो पैंडेमिक थी उसकी वजह से इस तरह के मार्केट में फूडिंग नहीं थी, मतलब अवॉइड रहे, मार्केट से दूर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अभी जब वैक्सीन आ गई है और आने वाले समय में आप देख लो इकोनॉमी ऊपर की तरफ ही जाने को रेडी है, तो कहीं ना कहीं सबसे तेज़ी अगर आप देखोगे बिजनेस में तो वो इस तरह की ही बिजनेस में सबसे ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो मुझे लगता है डिमांड में कुछ 100% से सर्ज होने वाली है 2021 में, और कंपनी ने जो अपनी एक्सपेंशन प्लान लाई है जो इस ईयर में और भी बहुत सारे डोमिनो पिज़्ज़ा के ब्रांचेस खोलने वाले हैं। तो अभी आने वाली जो प्रोग्राम है, मैं इसीलिए मैं आगे का प्लान सोच कर ही आपको स्टॉक बताता हूँ। अगर आपके पास बेसिक भी नॉलेज होगा कि डिमांड किसकी बढ़ने वाली है तो आप खुद सोच सकते हो
लॉकडाउन में किसके सेल्स कम हुई थी और लॉकडाउन के बाद अचानक से किसकी सेल बढ़ेगी, तो आप खुद भी एनालाइज करो मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तो यहाँ तक तो मेरी एनालिसिस थी, मैंने जो अभी तक आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। अब मैं आपको बाहर के एनालिसिस बताता हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट के बाहर क्या बात चल रही है। तो आप देखो जुबिलेंट फुटवर्क के लिए ब्रोकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी आप देखोगे तो 2941 की टारगेट आ रही है, मतलब बाहर के लोग ब्रोकर हाउस भी इसके लिए पॉजिटिव है आने वाले दिन के लिए। और ये रिपोर्ट 3 फरवरी की है, मतलब ये रिपोर्ट लेटेस्ट है, तो ये भी अच्छी बात है। टारगेट 2941 के बताई जा रही है। और एक ये देखो इकोनॉमिक टर्म्स की जो रिपोर्ट आई थी, इनका भी यही कहना है कि कंपनी अभी एक्सपेंशन के टारगेट पे है। और Q3 की जो रिपोर्ट आई थी वो भी आप देखिए, उसमें भी रिकवरी दिखाई दी थी। तो मैंने भी आपको यही बताया है कि आने वाला टाइम जो है इसकी एक्सपेंशन की बात हुई है, न्यूज़ में भी वही बात बताई है। और आप Q3 की रिपोर्ट भी देख लो, वहाँ पे भी आपको देखोगे तो बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। अगर आप मोती और मोतीलाल आसवाल की ब्रोकरेज हाउस की तरफ भी देखो तो उनके तरफ से भी यही रिपोर्ट आई है कि आउटलुक इम्प्रूविंग है, और Q3 के रिजल्ट को देख कर ही उन्होंने ये बोला है। तो आप ये देखो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस से जो रिपोर्ट आई है वो भी यही बोल रहे हैं कि आने वाले दिन में ऊपर की टारगेट बन सकती है। और अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करूं तो आप यहाँ पे भी देखिए लगभग 63% बाय की बात बता रहे हैं। 63% नहीं, आप ये समझिए कि अगर यहाँ कम्युनिटी सेंटिमेंट में 50% से ऊपर के बाय की बात होती है तो वो ट्रेंड है बुलिशिंग होती है। 25% सेल के बात बता रहे हैं और 12% होल्ड के बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, और कुछ सेंटिमेंट नेगेटिव हैं लेकिन मैक्सिमम सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर मैं टिकर टेप पे एनालिस्ट के सजेशन को देखो तो आप यहाँ पे भी देखिए 69% बाय की बात बता रहे हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा नज़र डालें तो आप देख लीजिए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से बहुत ही अच्छा है। जनरली अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से अबव है तो वो कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा बना पाती है। डिविडेंड 0.2% कुछ खास नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.45। मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 करोड़ की है। और प्लेज की बात करें तो 2.17% है। देखिए प्लेज है, डेप्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जुबिलेंट फुटवर्क की मार्केट इसकी बिजनेस को आप किस तरीके से समझते हैं। फुटवर्क की बिजनेस है मार्केट पे डोमिनेट करती है, डोमिनेट मतलब डोमिनेट करती है भाई, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है। अगर आप पिज्ज़ा खाने जाओगे तो आप डोमिनोज कहीं पिज्ज़ा खाओगे आप, ठीक है। तो डेप्ट है, प्लेज है, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी की बिजनेस बहुत अच्छी है। कंपनी आपको रिटर्न बना के दे रही है, आपने मंथली चार्ट पे अभी देखा था, कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने होल्डर्स को रिटर्न बनाकर नहीं दिए, इसकी ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ रही है। तो प्लेज और डेप्ट अगर बुरी बात नहीं है, अगर कंपनी उस पैसे को सही जगह पे यूज किया। ये खैर अपनी अपनी थिंकिंग है, आप इसे किस तरीके से सोचते हो, मुझे ये पॉजिटिव लगता है। और कंपनी की जो बिजनेस की ब्रांड है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब ट्रस्टेबल है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो आप सेल्स देख लीजिए कंटिन्यू अप ट्रेंड रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लीजिए कंटिन्यू अप ट्रेंड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए क्या कमबैक की है दिसंबर में। मैंने फाइनेंशियल्स पे थोड़ा हाईलाइट दिए और फंडामेंटल्स भी आपको दिखाए। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि मार्केट पे पकड़ बहुत अच्छी है, सेल्स इसके गिरने वाले नहीं है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपके भी खुद के एनालिसिस होगी कुछ, मेरी जो एनालिसिस है वो मैंने बता दिया। मैंने कोशिश किया कि बाकी के जो यूट्यूबर्स नहीं बताते मैंने वो बताने की कोशिश की है, मैंने कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की है आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया। देखिए अगर मार्केट बुलिश रहती है और तो मुझे यहाँ पे 3,000 के टारगेट बिल्कुल भी क्लियर दिखाई देती है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश रहती है तो, क्योंकि अगर मार्केट अगर बियरिश होती है तो हो सकता है बाकी स्टॉक की तरह इसमें भी डिप आ सकती है। मैं बोल रहा हूँ बाकी स्टॉक की तरह, सिर्फ इस स्टॉक में नहीं बाकी सभी स्टॉक में डिप आएंगी।
लेकिन अगर मार्केट बियरिश होती है तो नीचे की लेवल पे आप देखें तो 2500 की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये जहाँ तक भी फिसल सकती है, तो अलर्ट रहिएगा। और अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मैं आपको एक राइट टाइम बता दूंगा, आपको उस टाइम पे पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप आगे की तरफ रिस्क ले सकते हो, 3000 की टारगेट पूरी हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो आप अलर्ट रहिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पर भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं अभी के लिए। अगर बस मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिए जी। आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।